किसी भी चीज़ का डीएनए डिज़ाइन कहलाता है वहीं इनोवेशन किसी भी कारोबार की बुनियाद बनने के साथ साथ नया नज़रिया देता है आज इंसानी ज़िंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ डिज़ाइन और इनोवेशन की अहमियत ना हो किसी भी प्रोडक्ट या कहें टेक्नोलॉजी को कामयाबी हासिल करने के लिए इनोवेशन और डिज़ाइन बहुत अहम रोल अदा करते हैं दोस्तों आज हम आपको डिज़ाइन एंड इनोवेशन के फील्ड के बारे में जानकारी देंगे आपको बताएंगे इस फील्ड में करियर के क्या क्या इम्कान हैं कौन कौन से इंस्टिट्यूट्स हैं जो आपको इस फील्ड में तालीम देंगे एक एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि डिज़ाइन और इनोवेशन की फील्ड आखिर है क्या आज हम एक ऐसी तेजी से बदलती हुई दुनिया में रहते हैं जहां बदलाव होना ही सबसे बड़ी हकीकत है ऐसे माहौल में किसी कंपनी या इधारे को कंपटीशन में खुद को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी होता है सही वक्त पर बदलाव के लिए खुद को तैयार करना दूसरे लफ्जों में कहें तो गैर यकीनी बदलाव होने से पहले खुद को उसके मुताबिक ढालना और तैयार करना ही कामयाबी का सबसे बड़ा जामिन है आज के ऐसे वक्त में कंपनियों या इदारों को नए नजरिए वाले ऐसे नौजवानों की जरूरत होती है जो कंपनी को के कारोबारी इम्कान और साथ ही नए नए इम्कान की पहचान करने में अहल हों। ऐसे में डिजाइन और इनोवेशन का शोबा काफी अहम हो जाता है जो नौजवानों को किसी भी कंपनी को मुस्तबिल में आगे बढ़ाने में मदद के लिए जरूरी तकनीक और हुनर फराहम करता है आज के इनोवेशन के दौर में कारोबार को नया नजरिया और पेश आने वाले दिक्कतों को दूर करने वाले नौजवानों की जरूरत रहती है अगर आप भी मानते हैं कि आप दूसरों से अलग हट कर सोचते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को हतमी शक्ल दे सकते हैं तो नौकरी हासिल करने के फिक्र किए बिना आप डिजाइन एंड इनोवेशन के शोबे में शानदार करियर बना सकते हैं अगर आपके अंदर लीक से हटकर कुछ करने की सलाह है तो डिजाइन एंड इनोवेशन के मैदान में कोई भी शोबा चुन सकते हैं डिजाइन जहां कई शोबों को अपने अंदर समेटे हुए है वही इनोवेशन की सोच पर ही आज नए कारोबार कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्त रिवायती शोबों के साथ ही टेक्नोलॉजी के बढ़ते दायरे के सब ही डिजाइन एंड इनोवेशन का शोबा नौजवानों को न सिर्फ नौकरी हासिल करने बल्कि दूसरों को रोजगार देने के भी काबिल बना रहा है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि डिजाइन एंड इनोवेशन की फील्ड क्या है चलिए इस फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ दोस्तों आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं डिज़ाइन एंड इनोवेशन की फ़ील्ड के बारे में इस फील्ड पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन में फैकल्टी डॉक्टर दीपशिखा खैर मकदमा मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में थैंक यू फॉर वाइटिंग मी मैम किसी भी प्रोडक्ट या कहें टेक्नोलॉजी की बुनियाद के साथ साथ डिज़ाइन जो है uh, वो प्रॉब्लम uh, सॉल्विंग का एक तरह से काम करता है तो इनोवेशन के दौर में अगर कोई नौजवान डिज़ाइन की फ़ील्ड में अपना करियर बनाने की सोच रहा हो तो डिज़ाइन एंड इनोवेशन के फील्ड को आप आ, कैसे समझाना चाहेंगी जी आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो आ, एक तो डिज़ाइन में ना बहुत सारे सब डोमेन्स हैं जैसे निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ैशन टेक्नोलॉजी एक सिरे की पढ़ाई कराता है आईआईटी में ढेर सारे पाँच छः आई हैं इंडिया में जिनमें अलग अलग टाइप की डिज़ाइन की तैयारी होती है जाम मिल् इस्लामिया में डिज़ाइन एंड इनोवेशन का डिपार्टमेंट है तो पहले बच्चे को ये सोचना है कि उन्हें क्या पढ़ना है जैसे कुछ बच्चों को बहुत चाह होती है कि उनके कपड़े रैम्प पर चलें तो वो फ़ैशन डिज़ाइन में जाना चाहते हैं या निटवेयर डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो इनका स्पेशलाइजेशन निफ़्ट में ही होता है और कुछ लोगों को ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में जाना है व्हीकल डिज़ाइन में जाना है जो टू व्हीलर हो थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर सी एन जी बेस्ड वही जो भी हाइब्रिड व्हीकल्स हो, तो उसके लिए आई आई टी बॉम्बे में एक स्पेशल डिपार्टमेंट uh, है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल डिज़ाइन तो वहाँ जाना चाहिए प्रोडक्ट डिज़ाइन की की पढ़ाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड आई के जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आते हैं जामा मिल् इस्लामिया मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन में आता है तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग डिज़ाइन की कॉलेज और इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे बच्चे पहले सोचना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ की डिज़ाइन करनी है फिर उस हिसाब से आपको अपने कॉलेज का चयन करना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आ, जब भी हम आ, अगर इनोवेशन की बात करते हैं या सोचते हैं इनोवेशन के लिए तो हमारे जहन में सबसे पहले आता है डिज़ाइन उस प्रोडक्ट का या कोई भी चीज़ हम लॉन्च करना चाह रहे हैं बनाना चाह रहे हैं तो उसका डिज़ाइन हमें सबसे पहले खाका तैयार करना होगा तो एग्जैक्टली इसमें डिज़ाइन में क्या पढ़ाया जाता है जब बच्चा किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं अभी so, तो दो तरह की डिग्रीज होती हैं एक तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन प्रोग्राम जो चार सालों का होता है और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसमें कोई भी बीटेक सिविल मैकेनिकल किसी भी डिपार्टमेंट से या फिर किसी भी और बीएससी एमएससी के बीएससी किए हुए बच्चे भी हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट करने आते हैं तो जो फोर ईयर ग्रेजुएशन कोर्स होता है उसमें फ़र्स्ट ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम होता है उसमें स्केचिंग प्रोटोटाइपिंग ढेर सारे मटेरियल से मॉडल्स बनाना जैसे मिट्टी प्लास्टर ऑफ एरिस, प्लास्टिक्स मेटल्स वुड इन सब चीज़ों से यू नो मॉडल्स बनाना सिखाते हैं छोटी सी टॉय बनाना या छोटी सी कार बनाना ऐसी चीज़ें सिखाते हैं स्केचिंग सिखाते हैं फिर फील्ड uh, विजिट्स कराते हैं इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे ये अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन होता है यहाँ कपड़ा डिज़ाइन होता है इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं फिर डिज़ाइन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं कि हाउ डिड डिज़ाइन यू नो इवॉल्व ओवर द लास्ट वन हंड्रेड लाइक राइट फ्राम हरप्पा सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था एजिप्शन सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था मायन सिविलाइजेशन में क्या हो रहा था तो पूरी हिस्ट्री डिज़ाइन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है तो उससे उस एक पूरा फाउंडेशन तैयार होता है फिर सेकेंड ईयर में बच्चे अपने रिस्पेक्ट डिसप्लिन में चले जाते हैं जिसमें अगर ग्राफिक डिज़ाइन चुना है तो ग्राफिक के कोर्सेस सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं ढेर सारे जिसमें अडोब अडोब सूट के फोटोशॉप इलस्ट्रेटर इन डिज़ाइन सो so, इन डिज़ाइन से मैगजीस और ब्रोशर्स बनते हैं फोटोशॉप में फ़ोटो एडिटिंग होती है इलस्ट्रेटर में वैक्टवेस्ड ग्राफिक्स होते हैं जो बच्चे एनिमेशन के होते हैं उनको विजुअल इफेक्ट्स की सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं कि इसमें यू नो थ्री मॉडलिंग करके आप अपने स्क्रीनस रन कर सकते हैं तो फिर बच्चे अपने ना स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस में जाते हैं और फिर फ्रॉम दैट बेस दैट दे हैव गेन्ड इन द फर्स्ट ईयर फिर उसको uh, निखारा जाता है और स्पेसिफिक डोमेन के लिए उनको ग्रूम किया जाता है ओके करियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो किस तरह के करियर ऑप्शंस रहते हैं इस फील्ड में पढ़ाई करने के बाद करियर ऑप्शंस तो बहुत हैं मतलब ऐसा जब मैं मैंने अपनी पी एच डी आई टी गुवाहाटी से की है तो आई टी गुवाहाटी ने भी बहुत हम्बल बिगनिंग की थी पिछले दस पंद्रह सालों में तो इन द लास्ट टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स अब कहते हैं कि हर बच्चे के पास दो से तीन नौकरियाँ हैं मतलब इट्स सो करियर ऑप्शन आर अमेजिंग निफ्ट जैसे इंस्टीट्यूशन से पढ़कर जो बच्चे कपड़ा उद्योग में हैं जो फैशन डिज़ाइनर टेक्सटाइल में हैं तो वो बड़े बड़े जितने बड़े बड़े नाम हैं अरविंद मिल्स मधुरा गारमेंट्स जैसे आपने वो ये ब्रांड सुने होंगे लुई फ़िलिप और ये सब तो ये सब मधुरा गारमेंट्स के अंदर आते हैं अरविंद मिल्स के अंदर आते हैं रिलायंस लिमिटेड है बॉम्बे डाइंग तो बॉम्बे डाइंग में बेड तो उसमें टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जॉब करते हैं चुंबक फिर मिंत्रा और अमेजॉन पे हमारे आई के ग्रेजुएट्स भी काम करते हैं और निफ़्ट के भी ग्रेजुएट्स काम करते हैं जैसे अगर आप मिंत्रा की वेबसाइट पे जाएं तो प्रोडक्ट की छोटी छोटी वीडियो की रील्स होती हैं ना वो निफ्ट के फ़ैशन कम्युनिकेशन के बच्चे तो फ़ैशन और ग्राफिक डिज़ाइन का एक मर्जर करके एक डिपार्टमेंट है फ़ैशन कम्युनिकेशन तो वो फैशन कम्युनिकेशन के बच्चे बनाते हैं वीडियो रील्स शूट करते हैं और प्रोडक्ट स्पेसिफिक्स को हाईलाइट करते हुए एक छोटी सी रील बनाते हैं और वो डालते हैं और जो पूरा इंटरफेस है एक वेबसाइट का या एक ऐप का तो वो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन या यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन के अंदर आता है इसकी पढ़ाई निफ़्ट में भी होती है और आई में भी होती है जामिया में भी होती है जी बिल्कुल तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और फिर जामिया तो अभी तीन ही साल पुराना डिपार्टमेंट है पर जैसे आई के बच्चे माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग गूगल इन बड़े बड़े कंपनीज़ में इन बच्चों की यूजुअली इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स लगती हैं कंपनीज़ ख़ुद ब खुद आ जाती हैं बच्चों को हायर करने के लिए और निफ़्ट के निफ़्ट भी पिछले पच्चीस छब्बीस सालों से है तो इवन दैट हैज़ अ वेरी गुड रैपो इन द इंडस्ट्री सो पीपल हैव लाइक मल्टीपल जॉब ऑप्शन और इवन इफ दे वॉन्ट टू स्विच जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जैसे मैंने खुद टेक्सटाइल की पढ़ाई की थी और अब मैंने यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में स्विच किया तो देर देर आर टू मेनी ऑप्शन टू बी फ्लेक्जिबल एंड स्विच विद इन सब डोमेन्स विद इन डिज़ाइन मैम जैसे आपने uh, अभी बताया कि आपने स्विच किया टेक्सटाइल से यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन दो क्वेश्चन हैं मेरे यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइंस क्या है और इसी मतलब इसी से ही रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि और कौन कौन से सेक्टर्स या शोबे हैं जिनमें करियर ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के पास जी वैसे आई बॉम्बे में स्पेसिफ़िक डोमेन्स हैं विजुअल डिज़ाइन एनिमेशन प्रोडक्ट डिज़ाइन ऑटोमोबाइल डिज़ाइन ये स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट्स हैं पर बाकी सारे आई जैसे कानपुर गुवाहाटी हैदराबाद रुड़की इनमें में इंटर uh, पढ़ाई होती है और आप अपने प्रोजेक्ट्स और थीसिस जो चूज़ करते हैं दैट डिटर्माइंस योर फ्यूचर कोर्स ऑफ जॉब या जो भी okay. तो मेरी भी इंटर पढ़ाई हुई थी पर मुझे चूंकि मैंने जबलपुर में पढ़ाई की थी तो मुझे मन था कि मैं रिसर्च में जाऊँ और देखूँ कि डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में क्या होता है फिर मैं आई टी गोहाटी चली गई वहाँ पर यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन पर उस वक्त बहुत काम हो रहा था तो एक्सपीरियंस डिज़ाइन इज बेसिकली डिज़ाइनिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बी इट आप किसी मॉल में जाती हैं तो वो एक रिटेल का एक्सपीरियंस होता है लाइट्स एक तरह से लगे होते हैं फिर एक जैसे जारा uh, की दुकान है और डिकैथलॉन की दुकान है उन दोनों का और एक परफ्यूम स्टोर है या फिर बॉडी शॉप है तो उनका एक्सपीरियंस तो दैट इज़ स्टोर एक्सपीरियंस डिज़ाइन वो एक एक डोमेन होता है फिर दूसरा होता है किसी रेस्ट्राँ का एक्सपीरियंस तो रेस्ट्रॉँ का एक्सपीरियंस डाइनिंग एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं मैकडोनल्ड्स का अलग है और किसी यू you नो know, अलग रेस्ट्रॉ का अलग होगा किसी पिज्जेरिया का अलग होगा किसी इटालियन फूड का अलग होगा किसी जापानीज फूड या थाई रेस्टोरेंट का अलग होगा तो ये हमारे बच्चे ही करते हैं जैसे फैशन स्टोर्स के तो मर्चेंडाइजर्स होते हैं विजुअल मर्चेंडाइजर्स जो निफ्ट के ग्रेजुएट्स होते हैं मोस्ट ऑफ़ द फैशन स्टोर्स आर डिज़ाइन बाय निफ्ट फैशन मर्चेंडाइजर्स निफ्ट ग्रेजुएट्स हु आर फैशन मर्चेंडाइजर्स तो उनका काम होता है देखना कि मैनिकुन्स कहाँ लगेंगी डिस्प्लेस कैसे लगेंगे वैसे तो दैट्स दैट होल फील्ड इज कॉल विजुअल मर्चेंडाइजिंग जो दूसरे तो यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन इज बेसिकली डिजाइनिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बी इट अ डिजिटल एक्सपीरियंस और अ फिजिकल एक्सपीरियंस आजकल जैसे बॉक्सिंग के पैकेजिंग बॉक्सिंग के एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आपने एक नई महंगी परफ्यूम खरीदी जो पाँच दस हज़ार की है वो डी की है या तो यू you नो know, वो उसका एक प्राइमरी पैकेजिंग होगा एक सेकेंडरी पैकेजिंग होगा एक टर्शरी पैकेजिंग होगा तो दैट इंटायर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस डिजाइन फॉर अ पैकेजिंग पर्पज और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना मिंत्राट एक्सपीरियंस इज डिट फ्रॉम टाटा वन एम जी एक्सपीरियंस गोल्डी मीट मटन मसाला जो, जो भी बच्चे इस फील्ड में मैम करियर बनाना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं बनाने की सोच रहे हैं करियर अपना तो रिलेटेड टाइम उनको किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जाहिर है जब हम किसी भी फील्ड में कामयाबी चाहते हैं तो एक इंस्टीट्यूट का नाम भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है ऐसे में किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जी ये सवाल बहुत ज़रूरी है एक तो जैसे मैंने बताया अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के आपको बैचलर्स की चार साल की पढ़ाई करनी है या मास्टर्स की दो साल की पढ़ाई करनी है तो क्लास एवं ट्वेल्व से आप तैयारी शुरू कर दें और मैंने तैयारी खुद से की थी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनसे करस्पोंडें करस्पोंडेंस मटेरियल मंगवा सकते हैं और एग्ज़ाम दो राउंड में होता है एनआईडी, निफ्ट और आई का आई uh, आई के एग्ज़ाम को सी यू सीड कहते हैं अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इन डिज़ाइन निफ्ट का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एन का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पहला एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और कुछ स्केचिंग के एक्सरसाइज आते हैं कि पोस्टर बनाइए एक तस्वीर दे देते हैं जैसे जामिया के एम की भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है तस्वीर देते हैं और कहते हैं इस पर कहानी लिखो वो थोड़े साइकोलॉजी बेस्ड सवाल होते हैं तो कुछ सवालों में स्केचिंग uh, वगैरह का टैलेंट भी देखा जाता है कि एक रेलवे स्टेशन बनाओ या फिर मारुति सुजुकी की बनाओ तो यू नो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज़ मारुति सुजुकी की एंड यू शुड बी एबल टू ड्रॉ जी whole, बिल्कुल बिल्कुल वैसा आप कर सके और uh, उसके बाद जब ये राउंड क्लियर हो जाता है तो सेकेंड राउंड पोर्टफोलियो और इंटरव्यू का होता है तो आपके पास छः महीने का वक्त होता है आप उसके लिए आपको बता दिया जाता है कि आपका फर्स्ट राउंड में हो गया है फिर आप अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो जैसे मैंने बताया कि आईआईटी बॉम्बे और एन में स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं तो आप अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए एक पोर्टफोलियो बनाएँ और अगर आपकी इंटर है तो आप एक इंटर पोर्टफोलियो बनाएँ कि आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज़ किया है या क्रिएटिव एक्सरसाइज़ किया है या वैसा और निफ्ट में सेकेंड राउंड सिचुएशन टेस्ट होता है जिसमें आपको कुछ मटेरियल्स दिए जाते हैं आप अपने आप अपने सेंटर पे पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर पे और आपको कुछ मटेरियल्स वो देते हैं और आपको एक देते हैं कि आप एक मोमेंटो बनाएं या नया जूता बनाएं या नया बैग बनाएं और आप, व, आपको वो दो तीन घंटे का समय देते हैं वैसा तो निफ्ट सिचुएशन टेस्ट एंड बाकी सब जगहों पर इंटरव्यू एंड पोर्टफोलियो होता है उसके बाद फिर सिलेक्शन हो जाता है तो यू हैव टू बी रेडी फॉर द एम सी क्यूज़ फ़ॉर द क्रिएटिव क्वेश्चन एंड दैन फॉर द मॉडल मेकिंग एंड द पोटफोलियो राउंड सो ये चारों राउंडस होते हैं एंड दिस इज़ सेम फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स Both. Okay. And 11, 12 में कोई आपको क्या लगता है वो किस तरह की स्किल्स या काबिलियत होनी चाहिए स्टूडेंट्स hmm. के अंदर जिससे वो इस फील्ड में एक बेहतर करियर बना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पोर्टफोलियो तो आपके डिजिटल स्किल्स जैसे अगर आप टेक्सटाइल डिजाइन के स्टूडेंट हैं तो आपको सिलाई कढ़ाई में बहुत अच्छा होना पड़ेगा यू नो दैट इज़ वन थिंग कि आपके हैंड स्किल्स बहुत अच्छे अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं तो अपने हाथों से अलग अलग मटेरियल से नया प्रोडक्ट जैसे एक नया आयरन बनाना है या नया टॉय बनाना है तो प्लास्टिक क्ले डिफरेंट टाइप्स के क्ले से आप तो हाथ से चीज़ें योर हैंड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप फ़ैशन डिज़ाइन से हैं तो सिलाई की आपको बहुत अच्छी फिर अगर आप लेदर डिज़ाइन से हैं तो लेदर पर स्टिचिंग और कढ़ाई की आपको तालीम होनी चाहिए तो योर हैंड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन योर डिजिटल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारी चीज़ें हाथ से नहीं बनाते हैं डिजिटल स्किल्स एज एन योर सॉफ्टवेयर स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आप uh... प्रोडक्ट डिज़ाइन से हैं तो कैड थ्री मॉडलिंग जो होती है जैसे जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो तो टू की चीज़ें बनाता है अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं तो थ्री डी मॉडलिंग के स्किल्स अच्छे होने चाहिए एनिमेशन से हैं तो थ्री डी मॉडलिंग और वी की नॉलेज uh, अच्छी होनी चाहिए तो हैंड स्किल्स एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स बोथ शुड बी वेरी गुड और उसके बेसिस पर आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा uh, जामिया मिल् इस्लामिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कराए जा रहे हैं इस फील्ड वी आर ओनली थ्री ईयर ओल्ड एंड वी आर वेरी नाउ तो अभी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और पी के पहली बैच की एडमिशन अभी जनवरी में शुरू होगी तो जिनके इंटरव्यूज़ बस होने वाले हैं एग्जाम्स हो चुके हैं दिसंबर में और इंटरव्यूज़ होने वाले हैं और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं अभी हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज नहीं हैं एंड दिस इज़ एन इंटर मास्टर ऑफ डिज़ाइन कोर्स जिसमें हर सेमेस्टर में चार सेमेस्टर्स होते हैं दो साल का कोर्स है प्रोग्राम है दो साल का और हर सेमेस्टर में आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं और फाइनल सेमेस्टर जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें आप अपनी थीसिस करते हैं विच इज़ अ रिसर्च बेस्ड थीसिस या आप किसी कंपनी में जाकर प्रैक्टिस बेस्ड थीसिस भी कर सकते हैं uh, क्योंकि ये फील्ड जो है वो पूरी प्रैक्टिकल uh, बेस्ड है तो आपके यहाँ किस तरह की खास जैसे आपने बताया कि एक प्रोजेक्ट ज़रूर दिया जाता है उनको आ, किस तरह के प्रैक्टिकल नॉलेज और इंटर्नशिप या कह सकते हैं कराई जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है हमारा डिज़ाइन का पूरा जो पढ़ाई है ना वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है लेक्चर्स बहुत कम होते हैं और एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे जब मैं निफ़्ट में पढ़ती थी और जब मैंने निफ़्ट में एक साल पढ़ाया भी है दिल्ली में तो अगर 56 सिक्स आवर का एक सेमेस्टर का मॉड्यूल है तो सिर्फ 12 घंटे लेक्चर है और 42 टू आवर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन है okay. अगर दिन के पाँच घंटे आपका को, आ, कोर्स रन होता है जैसे जामिया में दिन के छः घंटे होता है दस से पाँच का समय होता है तो सिर्फ़ एक घंटे लेक्चर है और पाँच घंटे एक्सप्लोरेशन है जिसमें बीच में आपको लंच का टाइम मिलता है क्योंकि आप एक बार कुछ बनाने लग जाते हैं जैसे आप स्केच कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आधा घंटा स्केच किया और छोड़ दिया इट नीड्स फ़ोर फाइव आवर्स ऑफ़ डेडिकेटेड वर्क वंस एवरी वंस एवरी वीक एवरी वीक वन डे तब आपका पूरा एक सेमेस्टर में काम ख़त्म होता है तो हमारे सारे कोर्सेज़ बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लेक्चर्स थोड़े से होते हैं और ढेर सारा प्रैक्टिकल काम या तो स्केचिंग करना होता है या मॉडल बनाना पड़ता है uh, जी uh, मैम जैसे अगर हम तालीम की बात करें एजुकेशन uh, की बात करें तो हमारे यहाँ जो तालीम दी जा रही है हमारे मुल्क में आपको क्या लगता है कि uh, क्या उसमें कुछ और हम बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन के लेवल को आप किस तरह से देखती हैं और रिसर्च की भी अगर हम बात करें उसको कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो हम कहाँ खड़े हैं जी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं जैसे सारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स और जो एन आई आर एफ रैंकिंग ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज़ निकलती हैं इस्पेली आई एस सी बैंगलोर और आई आई टी डेली ये हमेशा टॉप पर होते हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस्पेशली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम रिसर्च पेपर्स पब्लिश करें रिसर्च करें तो जैसे हम मैं अभी आपको बता रही थी मेरी स्टूडेंट ने वो स्पेशली एबल्ड एजुकेशन पर काम किया तो हमने रिसेंटली उससे दो पेपर पब्लिश किए तो ये सारी जो हम रिसर्च से पेपर पब्लिश करते हैं उसके क्रीडेंशियल्स हमें मिलते हैं और आई थिंक इंडिया इज़ डूंग प्रटी गुड ऑल दी आई जेएनयू जामिया आई बैंगलोर यूनिवर्सिटी ये सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा फोकस है वी एस टीचर्स एंड एज स्टूडेंट्स मतलब हमें स्टूडेंट्स के साथ काम करना है और उनके काम को ना रिप्यूटेड जर्नल्स और कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना है और ढेर सारे स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स लाने हैं जिन जिनसे बाहर से या सरकार से फंडिंग मिल सके और हम नया प्रोजेक्ट उस, उस पर काम कर सकें बीट गेम डिज़ाइन और आटोमोबील एलेक्ट्रिक वहीकल डिज़ाइन या कुछ वैसा तो उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिया जा रहा है तो वी वी आर गोइंग गुड मैम इनोवेशन की सोच को हम किस तरह से uh, जो स्टूडेंट्स हैं उनमें uh, और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं जी यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव जैसे हम निफ्ट में जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो कपड़े तो सब बनाते हैं सब पहनते हैं पर नए स्टाइल का कपड़ा पहनना है तो आप देखेंगे इंडो वेस्टर्न स्टाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं जैसे पिछले uh, दो दशकों में जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं जो जिन्होंने uh, तालीम ली और कई डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने तालीम नहीं ली जो बहुत पॉपुलर हैं तो uh, उन्होंने ना जैसे इंडो वेस्टर्न स्टाइल को बहुत ज़्यादा कंबाइन किया एंड दे ट्राइड टू रिजुविनेट द क्राफ्ट्स ऑफ़ इंडिया कि राजस्थान के ब्लॉक प्रिंस uh, उत्तर प्रदेश की जरदोजी इस इस पर काम किया और नए नए स्टाइल लाइंस निकाले हमें लगता था कि जरी का काम सिर्फ शादियों में पहनते हैं पर ऐसा नहीं है अब उन्होंने जरी के काम को बैग्स पर भी ले आया जूते पर भी ले आया और घड़ियों पर भी ले आया और कोट्स पर भी जैसे हम नॉर्मल ऑफिस जा रहे हैं पर हमारी कोट पर एक जरी की लाइन होगी तो ऐसे करके ना क्रिएटिव थाट लाना पड़ता है और स्टाइल्स को फ्यूज करना पड़ता है फ्यूजन जो चीजें हैं फिर जैसे चुंबक की चीजें हैं चुंबक के प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे दे आर वेरी डिफरेंट दे आर वेरी यूनिक उनके जो प्रिंट्स हैं वो उन्होंने ना और बहुत इंडियन प्रिंट्स हैं वो मतलब uh, ट्रक का प्रिंट है या चाय का प्रिंट right. है या किसी यू नो वैसे प्रिंट्स हैं और बहुत मजेंटा uh, नियॉन ऐसे कलर्स हैं तो बहुत अलग सोच होनी चाहिए और उनकी वो आइडेंटिटी के वजह से वो प्रोडक्ट बिकता है तो यू हैव टू थिंक न्यू फिर जैसे मजाबा गुप्ता की एक नई कलेक्शन आई है तो उनके प्रिंट्स बहुत अलग हैं उनके प्रोडक्ट्स पे जो प्रिंट्स हैं बट ऑन द सेम सीक्वेंस uh, 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 कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत क्लासी होते हैं जैसे जारा के प्रोडक्ट्स हैं या फिर राल्फ uh, फ्लॉरन के प्रोडक्ट्स हैं या फिर डि के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत क्लासी होते हैं यू हैव टू बी वेरी यू नो एंड यू हैव टू नो कि किस सेगमेंट को सर्व करना है ग्रास रूट को सर्व करना है क्राफ्ट का क्राफ्ट्स एंड आर्टिस के साथ काम करना है मडल्स मिडिल क्लास सेगमेंट को सर्व करना, करना है या लग्जरी सेगमेंट को सर्व करना है क्योंकि हर के बजट कंस्ट्रेंट्स अलग होते हैं सबके मटेरियल कंसिड्रेशन अलग होते हैं सबके डिज़ाइन कंसिड्रेशन अलग हो जाते हैं तो इस हिसाब से आपको बस नई सोच रखनी है और नए प्रिंट्स निकालने हैं या नए स्टाइल लाइन्स निकालनी है या नए प्रोडक्ट्स निकालने हैं आपने बोला कि तादाद उतनी नहीं है तादाद कम है तो uh, क्या अवेयरनेस की कमी है इस फील्ड को लेकर या नई फील्ड है क्या है क्यों, जी, क्या जैसे है ज, दो हज़ार आठ दो हज़ार सात आठ में मैं तैयारी करती थी तो बहुत कम डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स थे और जैसे आई में भी सिर्फ आई बॉम्बे में था और कहीं भी नहीं था पर ग्रेजुअली आई गुवाहाटी में आया हैदराबाद में आया कानपुर अब रुर्की में आ गया है आई आई बैंगलोर में सिर्फ मास्टर्स होते थे तो पहले तो सिर्फ मास्टर्स के प्रोग्राम्स ही होते थे फोर ईयर बैचलर कोर्सेज सिर्फ निफ्ट और एन में हुआ करती थी और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं थी पर पिछले 10-15 सालों में कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स निकले हैं तो इट इज़ अ वेरी न्यू फील्ड इसकी ना डिज़ाइन uh, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अब अब निकल आई हैं जिन्होंने ये जो जैसे जो बच्चे ग्रेजुएट है वो धीरे धीरे अकेडमिया में गए तो उन्होंने फिर फंड्स अरेंज करके एक नया इंस्टीट्यूशन खोला तो आ, ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस की कमी है पर आ, हमारी सोसाइटी में आ, जो हमारे घर वाले होते हैं वो कहते हैं इंजीनियरिंग के लिए जाओ या डॉक्टर के लिए जाओ या सिविल सर्विसेज के लिए जाओ इन तीनों को छोड़कर अभी भी उतनी ज़्यादा सोच नहीं बदली है कि फ़ैशन या डिज़ाइन को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखा जाए तो धीरे धीरे वो सोच बदल रही है पर इंस्टीट्यूशन्स uh, काफ़ी कम हैं मतलब अगर बहुत ज़्यादा बच्चे भी अप्लाई करें ना तो इंस्टीट्यूशन्स आर वेरी लेस सो इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव टू गेट इन टू वन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन्स दैट इज़ ऑल्सो देयर ओके आपको लगता है कि इस फील्ड में जैसे कि आपने बताया कि करियर ऑप्शंस भी हैं काफ़ी कुछ है स्टूडेंट्स uh, के पास करने के लिए अब uh, अवेयरनेस और फैलानी चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स uh, लेने चाहिए के लोगों में इस फील्ड को लेकर और सीरियसनेस इसकी दिखे इस फील्ड को लेकर ताकि फील्ड में ज्यादा से ज्यादा आए जी गवर्नमेंट तो बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रही है क्योंकि स्कूल के लेवल पे कोडिंग uh, और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स ए आर वी आर इनके ट्यूटोरियल स्कूल एजुकेशन में ही डाल दिए गए हैं जैसे आज से दस साल पहले कोई ऐप बनाता था तो वो डॉक्टोरल रिसर्च का पार्ट होता था पर आजकल स्कूल के बच्चे फिगमा सॉफ्टवेयर आ गई है स्कूल के बच्चे उस पर टटोलते हैं बिल्कुल ज़रा सा और एक ऐप बना रेडी हो जाते हैं तो स्कूल लेवल पर ना और फैशन डिजाइन के कुछ कोर्सेज होते हैं डिज़ाइन के कोर्सेज होते हैं कढ़ाई के कोर्सेज़ होते हैं जो टेक्सटाइल का एक छोटा सा पार्ट है कढ़ाई करना और क्राफ्ट्स uh, के uh, कई सारे कोर्सेज होते हैं तो कोडिंग और ऐप बनाना वेबसाइट बनाना ये सब अब स्कूल लेवल पर ही शुरू हो चुका है कई सारे स्कूलों में अब इसकी ए, एक कोर्स तो होता ही है और uh, इसके अलावा सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई है उसकी वजह से चिल्ड्रेन आर एबल टू चूज़ फॉर दैनसेल्व जो एजुकेशन में अब धीरे धीरे जैसे जिस तरह हम लोगों ने पढ़ाई की थी नर्सरी के जी फिर हमारी क्लास टेंथ फिर इलेवेंथ ट्वेल्थ वो जो तो हमारा जो सीक्वेंस uh, था टू प्लस टेन प्लस जो भी हमारा जो सीक्वेंस था वो चेंज हो चुका है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मेक चिल्ड्रेन चूज़ कि अगर तुम्हें थिएटर आर्टिस्ट बनना है तो तुम थिएटर आर्टिस्ट बनो अगर तुमको सिंगर बनना है तो तुम सिंगर बनो तुम अपनी अपनी ऐसे ऐसे पढ़ाई कर लो एंड यू आर एबल टू यू नो चूज़ विद इन आप दो कोर्स इस इंस्टीट्यूशन से करेंगे दो कोर्स इस इंस्टीट्यूशन से करेंगे तो अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन जैसे हमने जहाँ एडमिशन ले लिया वहीं से काम करना है पर अब बच्चों के पास ये चॉइस रहेगा कि वो कुछ कोर्सेज ऑनलाइन करें कुछ कोर्सेस फिजिकल करें कुछ इस इंस्टीट्यूशन से करें कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशन से करें तो अगर किसी को डांसर बनना है सिंगर बनना है या जिस भी किसी को आर्टिस्ट बनना है तो ऐसा नहीं है तो कोई आर्टिस्ट है जो कंप्यूटर साइंस की तालीम आई आई टी डेली से लेगा पर फाइन आर्ट्स की तालीम तालीमेंट

नौजवान स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं डिज़ाइन एंड इनोवेशन के फ़ील्ड में उनको आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे जी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करी क्योंकि इन कोर्सेज़ में जैसे कुछ कोर्सेज़ होते हैं हिस्ट्री साइकोलॉजी के उसमें आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है तो आप आप खूब खूब एक्सप्लोरेशन्स करें खूब सारे और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये कैसा होता है ये कैसे बनाते हैं ये कैसे करते हैं तो वो एक एक चीज़ आपको खुद के अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी और खूब सारी तत्परता डेडिकेशन और हार्ड वर्क ये अगर आपके साथ होगा तो आप निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और अच्छे से रिसर्च अच्छे से करें क्या करना है कैसे करना है एडमिशन कहाँ लेना है इसका रिसर्च अच्छे से करें उसकी तैयारी अच्छे से करें पोर्टफोलियो अच्छे से बनाएँ बस बिल्कुल डेडिकेशन है और हार्डवर्क करते हैं तो किसी भी फील्ड में आप ज़रूर अपना करियर बेहतर बना सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपने वक्त निकाला और हमें ये तमाम जानकारी दी थैंक यू सो मच सो मच तो दोस्तों उम्मीद है डिज़ाइन एंड इनोवेशन की फील्ड में आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल हो गई होगी चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ अब हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में हम आपको बताएंगे इस वक्त आपके लिए कहाँ कहाँ नौकरियाँ मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत आदाब लड़को आओ चलो मश करो अरे रुक यार मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है तो बैंक